वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सर्टन अबायोटिक फैक्टर दोज प्रोवाइड देयर रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। वो फैक्टर्स यहाँ पर चार फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो होता है वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन ये दीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल कंडीशन कुछ भी रहे, इनके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन कभी भी चेंज नहीं होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल कंडीशन का कोई भी इफेक्ट इनके बॉडी के ऊपर नहीं होता है। तो ऐसी जो एबिलिटी जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको रेगुलेशन कहेंगे, एंड सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एज रेगुलेटर्स। और उसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जो है मैमल्स, मैमेलिया, और उसके अलावा जो है एओज, बर्ड्स जो होते हैं। हम ह्यूमन भी उसकी ये बेस्ट एग्जांपल हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर 37 डिग्री सी बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहता है। तो वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशन, वी हैव एबिलिटी ऑफ रेगुलेटर्स। ये एबिलिटी हमारे अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। अगर बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर फ्लक्चुएट होता है तो ये दो किस्मों के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है, और वो एबिलिटी यहां पर शिवरिंग और स्वेटिंग एबिलिटी है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना निकलेगा, थर्मोरेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर ठंडी लगती है यहां पर जो, अगर यहां पर बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो ठंडी लगती है, इंसान या जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ ओढ़ लेते हैं, या एनिमल के अंदर यहां पर बॉडी के ऊपर हेयर्स का डेवलपमेंट होता है जो बहुत ज्यादा शिवरिंग कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, और वो कंडीशन जो होती है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहला फैक्टर होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन है। दूसरा जो है यहाँ पर कन्फॉर्मेशन, अपोजिट टू द रेगुलेशन है कन्फॉर्मेशन। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंटल कंडीशन। ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल कंडीशन, इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन भी यहाँ पर जो चेंज होती है, और ये जो एबिलिटी यहां पर पाई जाती है कन्फॉर्मेशन है। एंड द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स, उसको कहा जाएगा। एंड दिस एबिलिटी दोज आर प्रेजेंट इन लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल के अंदर ये एबिलिटी जो है यहां पर पाई जाती है। तीसरी एबिलिटी यहाँ पर, तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर मौजूद होता है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब द शिफ्टिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन टू द हॉस्पिटेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो एनिमल जो होते हैं वो यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन से दे माइग्रेट टेम्पररीली इन द हॉस्पिटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन के अंदर ट्रांसफर होना, इसी को कहा जाता है माइग्रेशन। और यहाँ पर आफ्टर द रिटर्न ऑफ हॉस्पिटेबल कंडीशन, आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है दिस एबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो होती है साइबेरियन बर्ड, ड्यूरिंग विंटर सीजन दे कम टू इंडिया, इंडिया में आते हैं, जहाँ पर साइबेरिया के जो यहाँ पर बर्ड्स होते हैं वहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ पर इंडिया माइग्रेट होते हैं। फिर जब यहाँ पर इंडिया में जब समर सीजन शुरू होता है तो ये वापस फिर साइबेरिया के अंदर जो है वापस चले जाते हैं। और लास्ट फैक्टर जो यहाँ पर मौजूद है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेम्पररीली अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन या मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये स्टॉप कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और ये एबिलिटी जो होती है उसको कहा जाता है सस्पेंशन। इसके अंदर यहाँ पर नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर थिक वॉल्ड स्पोर बनते हैं जिसको कहा जाता है अकाइनेट्स, और ये अकाइनेट्स ये वेट करता है फेवरेबल कंडीशन आने का। आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये अकाइनेट्स दैट स्टार्ट टू डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड न्यू फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय दैट, ये हो सकता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सीड के अंदर जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है, रेस्टिंग पीरियड होता है, ये भी सस्पेंशन के अंदर यहाँ पर आएगा। और एनिमल के अंदर कुछ एनिमल यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, विंटर सीजन के अंदर हाइबरनेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो मिट्टी के अंदर यहाँ पर जो अपने आप को छुपा लेते हैं, और
और पूरा सर्दी का विंटर सीजन जो सोए हुए होते हैं उसको जो है यहाँ पर हाइबरनेशन कहेंगे। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो गर्मी से बचने के लिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो ज़मीन के अंदर यहाँ पर सो जाते हैं, जिसको एस्टिवेशन कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये दीज आर फोर फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को जज करने की, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एडॉप्ट ऑल दैट चेंजेस, सच टाइप इज कॉल्ड एज एडप्टेशन। तो व्हाट इज एडप्टेशन? एडप्टेशन इज मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज हो सकता है, उसके फिजियोलॉजी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चेंजेस होंगे, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के अंदर भी अगर यहाँ पर चेंजेस पाए जाते हैं, ऑल दैट टाइप ऑफ चेंजेस इफ दैट आर ऑब्जर्व इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज मस्ट बी कॉल्ड एज एडप्टेशन। अब यहाँ पर हमें देखना है एनिमल बॉडी के अंदर कौन कौन से एडप्टेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। कॉलम के जरिए यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ और इसके बाद उसके अंदर और बहुत सारे हैं, उसको भी वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हैं। नेम ऑफ द एडप्टेशन, सबसे कॉमन टाइप यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एडॉप्ट उनको हैबिटेट के तौर पर वो लैंड सर्फिस, ज़मीन को जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ एडप्टेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑन द लैंड, ज़मीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहना है तो उनके अंदर जो एडप्टेशन पाया जाएगा, जो तब्दीली पाई जाएगी उसको टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन कहा जाएगा। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी के अंदर व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ लेग्स एंड आर्म, हाथ और पैर, फोर लिम और हाइंड लिम यहां पर पाए जाएंगे, तो बॉडी की तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए वो हाथ और पैर का यूटिलाइजेशन यहां पर करते हैं। जमीन के ऊपर वॉकिंग है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, वो पैरों की मदद से यहां पर यूज करते हैं। इस तरीके से इनके अंदर जो है टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन पाया जाएगा, और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैन यानी ह्यूमन बींग उसके टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन मेन एग्जांपल है। दूसरा एडप्टेशन यहां पर जो होता है वो कर्सोरियल एडप्टेशन है। कर्सोरियल एडप्टेशन भी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो यहां पर हैबिटेट के तौर पर लैंड सरफेस को ही यूज करते हैं। और ये एनिमल के अंदर ये खसूसियत है कि दीज आर फास्ट रनर, ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, फास्ट रनर यहां पर होते हैं। रनिंग के लिए इनके बॉडी के अंदर जो एडप्टेशन पाए जाते हैं, जो चेंजेस पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर क्लॉज जो इनके पैर होते हैं, जो फिंगर्स हैं वहाँ पर उनके अंदर जो है क्लॉज, यहाँ पर नाखून भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बाज ऐसी भी एग्जांपल जिनके अंदर ब्रिसल्स भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा एडेसिव पैड होते हैं यानी यहाँ पर जो है गद्दी के जैसा हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है। जब वो दौड़ते हैं तो सॉफ्ट पार्ट होने की वजह से ज़मीन को तेज़ी से पकड़ के बहुत तेज दौड़ने वाले यहाँ पर होते हैं। जो फास्ट रनर ये जो एडेप्टेशन है उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर कर्सोरियल कहा जाएगा, और उसकी बेस्ट एग्जांपल यहां पर जो होती है वह है यहां पर कॉकरोच। तीसरा एडप्टेशन जो रहेगा फोसोरियल, फोसोरियल यहाँ पर जो होते हैं ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं बुरोइंग एनिमल। ये बुरोज के अंदर रहते हैं, हैबिटेट के तौर पर बुरोज यानी बिल का इस्तेमाल करते हैं, होल का इस्तेमाल करते हैं, सुराख का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर ये अपनी ज़िंदगी गुजारना जो यहाँ पर पसंद करते हैं। और यहाँ पर इनके अंदर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है, इनका जो स्नाउट होता है, जो इनका मुँह का हिस्सा होता है वो नोकीला होता है, तो मिट्टी को ये जो यहाँ पर खोद सकते हैं। तो डिगिंग प्रॉपर्टी, खोदने की प्रॉपर्टी, कोई चीज को यहां पर मिट्टी को खोदने की प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। और इनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस यहां पर पाए जाते हैं, पॉइंटेड स्नॉट, नोकीला मुंह होता है, वो मिट्टी के अंदर सुराग पैदा करते हैं। और इनके जो फोर लिम आगे के जो पैर होते हैं उसके अंदर फोर लिम विद जो विद पॉइंटेड क्लॉज, बड़े बड़े पावरफुल नाखून होते हैं, मुंह से यहाँ पर सुराग करते जाएंगे और आगे के पैरों से मिट्टी को जो बाहर करेंगे, इस तरीके से होल तैयार करते हैं, बुरोज वहाँ पर तैयार करते हैं, बिल बनाते हैं, और इस तरीके से चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर रैट है, चूहे जो होते हैं, माउस जो होते हैं, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जो है यहाँ पर गुजारते हैं। ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बाकी का टॉपिक इसी के अंदर, बाकी जो और कौन कौन से एडेप्टेशन है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स।
यहाँ पर तीन टाइप के अडेप्टेशन हमने देखे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ अडेप्टेशन दैट इज कॉल्ड एज आर्बोरियल। आर्बोरियल अडेप्टेशन के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल यहाँ पर मंकी की है, आपको पता है इसके अपने हैबिटेट के तौर पर लार्ज ट्री, जो ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, उसको अपने हैबिटेट के तौर पर यूज़ करता है। ऐसे तमाम एनिमल आसानी से दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये एनिमल जो इनको ट्री ड्वेलिंग कहा जाएगा या ट्री ड्वेलर्स भी कहा जाता है। अब ये मंकी है या आर्बोरियल हैबिटेट, आर्बोरियल अडेप्टेशन जिनके अंदर मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस पाए जाते हैं? हाइंड लिम्स विथ लार्जर टोज, इनके पैर जो होते हैं, पैर तो होते हैं मजबूत होते हैं, और उनके अंदर उंगलियां जो है काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, बड़ी होती हैं, ताकि दरख्त की जो ब्रांचेस हैं वो उसको जो है यहाँ पर आसानी से पकड़ सकें। और इसके अलावा लॉन्ग टेल भी प्रेजेंट होती है। बंदर के अंदर खास अगर वो गिरने लगते हैं तो दुम के जरिए से भी वो अपने आप को बचा सकते हैं। बाज मरता कहीं गिरने लगते हैं तो लॉन्ग टेल होती है, दैट मस्ट बी यूज फॉर बैलेंसिंग ऑफ देयर बॉडी, वो उनके बॉडी को गिरने नहीं देता, बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद यहां पर एडप्टेशन नंबर 5 है, वो डेजर्ट है। जैसा कि आपको पता है डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके होते हैं, ये ऐसे एनिमल का ग्रुप होता है जो डेजर्ट एरियाज को अपने हैबिटेट के तौर पर यूज़ करते हैं। दीज आर द एनिमल जो चेंजेस पाए जाते हैं, दोज चेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग इन द डेजर्ट एरिया। इसकी एग्जांपल जो यहाँ पर कैमल है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ यहाँ पर जो इनके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कैमल का मामला ऐसा है कि 10 से 15 दिनों तक भी उसको वाटर ना मिले तो इसके बॉडी के अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं। एक मरतबा जब पानी मिलता है तो 50 से 100 लीटर पानी वो पी लेता है, अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखेगा। फिर कई हफ्तों तक भी पानी ना मिले तो वो अपने कंटिन्यू उसकी लाइफ जो यहाँ पर चलती है, पानी की कमी नहीं होने पाती है। और इसके अलावा इनके बॉडी के अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हिनले, किडनी के अंदर जो यू शेप नली होती है लॉन्ग होती है, जितना ज़्यादा लॉन्ग लूप ऑफ हिनले रहेगा उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, वाटर का स्टोरेज उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट एनिमल के अंदर खास तौर से स्पेशली यहाँ पर कैमल के अंदर हम्प होता है, पीठ के हिस्से पे कोहान होता है, जिसके अंदर भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल जमा रहेगा। अगर यहाँ पर उसको फूड मटेरियल भी ना मिले, कई हफ्तों तक वो बगैर खाए हुए भी अपने आप को जिंदा रख सकता है। हेवी स्टोरेज ऑफ फैट यहाँ पर होते हैं और वो फैट धीरे धीरे डिजोल्व होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स के तौर पर उसका जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद 6 नंबर का अडेप्टेशन है एक्वेटिक अडेप्टेशन। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाएंगे, दैट वाटर में भी फ्रेश वाटर, दैट में भी मरीन वाटर, यूस्टेराइन वाटर। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली फिशेस किसी भी कहीं पर भी पानी के अंदर ये पाए जाते हैं तो उसको एक्वेटिक अडेप्टेशन कहा जाएगा। जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर पाए जाएंगे वो किसके लिए रहेगा? लिविंग इन वाटर, पानी के अंदर रहने के लिए वो अडेप्टेशन का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। जितने भी फिशेस पाए जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर जो यहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी, और वो स्केल्स यहाँ पर जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के तौर पर जो यहाँ पर यूज होते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं, और पानी के अंदर वो गिल्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो रिलीज करते हैं। और लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए फिशेस के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिन्स मौजूद होते हैं। ये फिन्स जब इनके अंदर मूवमेंट होता है, दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट, दे कैन स्विम इन वाटर, और यही फिन्स जो कॉडल फिन्स होते हैं उसके जरिए से दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को भी यहाँ पर जो है चेंज कर लेते हैं। और लास्ट यहाँ पर जो अडेप्टेशन होता है वह एरियल अडेप्टेशन, या इसको वोलेंट अडेप्टेशन कहा जाएगा। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फ्लाई करते हैं स्काई के अंदर या ट्री टॉप्स पर यहाँ पर पाए जाते हैं। जो भी चेंजेस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं दोज मस्ट बी यूज फॉर फ्लाइंग, अपने आप को उड़ाने के लिए, उड़ने के लिए वो चेंजेस यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। बर्ड्स के अंदर जो चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, विंग्स यहाँ पर मौजूद होते हैं फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए विंग्स होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, इनकी जो बोन्स होती है हॉलो होती है, इनके अंदर बोन मैरो बहुत ही कम होता है, विच रिड्यूसेस द बॉडी वेट, जिसकी वजह बॉडी वेट यहाँ पर कम होता है। स्पिंडल शेप्ड, बोट शेप्ड इनका बॉडी है, तो आसानी से हवा के अंदर ये जो यहाँ पर उड़ सकते हैं। ओनली लेफ्ट
साइड ऑफ ओवरी जो फीमेल बर्ड होते हैं, आमतौर पर फीमेल के अंदर यहाँ पर पेयर्ड फॉर्म ऑफ ओवरी होती है, लेकिन जितने भी बर्ड्स होते हैं लेफ्ट साइड ओवरी यहाँ पर पाई जाती है, विच ऑल्सो रिड्यूसेज देयर बॉडी वेट, जो बॉडी वेट को कम कर देते हैं, और टोटल बॉडी दैट आर कवर्ड विथ फीदर्स, परों से ढका हुआ होता है जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर जो है एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अडेप्टेशन पाए जाते हैं, ये टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लेते हैं, इसका भी आपको जो स्क्रीन शॉट ले लेना है। थैंक यू वेरी मच।